Hi everyone, welcome to my YouTube channel CompTutes. I hope you all are learning well with CompTutes. So this is tutorial number 14 of Business Studies for class 12, and in this tutorial we will continue 14 fundamental principles of management by Henry Ford. Okay, इससे पहले हम 8 principles जो हैं वो discuss कर चुके हैं, ठीक है? And आज हम discuss करने वाले हैं 9th principle जो कि है principle of strategy. Okay, तो चलिए students start करते हैं हमारा आज का session. But before proceeding to this session, if you are a new visitor on my channel, then please do subscribe my channel, hit the like button, and please do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too. ताकि ज़्यादा से ज़्यादा students जो हैं commerce के वो इस channel के साथ जुड़ें. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का प्रिंसिपल जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्केलर चेन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन रेफर्स टू द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नाउ व्हाट डज दिस प्रिंसिपल से? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो मूव करना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक, या वाइस वर्सा. ठीक है, नाउ ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है इसको हेनरी फ्योल ने एक लेडर से समझाया है. ठीक है, जिस लेडर को बोला जाता है फ्योल्स लेडर. ओके, इसको समझते हैं. ये एक लेडर है, ठीक है, जिसको फ्योल लेडर का नेम दिया गया है. ठीक है, एंड फ्योल ने इस प्रिंसिपल को यानी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को इस लेडर से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, फ्योल ने ये बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए को एफ से बात करनी है, यानी कि अगर मिस्टर ए को एफ से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे जाएगा? पहले वो अपनी बात बी को ट्रांसफर करेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, एंड ई एफ को. ठीक है, इसको बोला जाता है स्केलर चेन, यानी कि द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ठीक है, सिमिलरली अगर के को मिस्टर ए से कोई बात कहनी है, कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो मिस्टर के डायरेक्टली ए के पास नहीं जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. ठीक है, ये कैसे जाएंगे? पहले के अपनी बात जे को बताएंगे, जे से आई पे जाएगी बात, आई वाला एच को बताएगा, एच वाला जी को, एंड देन ये बात जो है मिस्टर ए तक पहुँचेगी. यानी कि सभी सबॉर्डिनेट्स जो हैं, जो उनके इमीडिएट सुपीरियर्स हैं, सबसे पहले उनको अपनी बात ट्रांसफर करेंगे, फिर वो मैसेज जो है आगे उस पर्सन तक पहुंचेगा जिस पर्सन को पहुंचाना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो एम्प्लॉय एफ है, ठीक है, इसको एम्प्लॉय के से कोई बात करनी है, कोई मैसेज इसको कम्युनिकेट करना है, तो एफ जो है अपनी बात के तक कैसे कम्युनिकेट करेगा? एफ पहले अपनी बात जो है उसके जो इमीडिएट सुपीरियर है कौन, ई, यानी ई को ट्रांसफर करेगा, फिर ई डी, डी सी, सी बी, फिर बी से ए तक बात जाएगी. ठीक है, फिर ए वाला जी को बोलेगा, जी वाला एच, एच वाला आई, आई वाला जे, फिर जो जे वाला है वो फाइनली जिसको बात पहुंचानी थी, जिस तक मैसेज कम्युनिकेट करना था, वो उस बंदे को कम्युनिकेट करेगा. तब देखो अगर एफ को अपना मैसेज के तक पहुंचाना है तो उसको ये 9 स्टेप्स जो हैं ये क्रॉस करने पड़ेंगे, यानी कि जो 9 पोस्ट हैं उनके उसके आगे पहले उनको अपना मैसेज ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर जाकर जो है के तक बात पहुंचेगी. ठीक है, तो स्केलर चेन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन है वो कैसे मूव करनी चाहिए, दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या तो वो ऐसे जाएगी, या फिर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या फिर ऐसे जाएगी, या कह सकते हैं फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू लोएस्ट रैंक, या फिर फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक. ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट नो स्टेप या फिर नो पोस्ट शुड बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, इसमें इस प्रिंसिपल में ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर एफ को अपनी बात जो है मिस्टर के तक पहुंचानी है तो उसको इन सारी 9 स्टेप्स से यानी 9 पोस्ट से गुजरते हुए ही अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, एंड कोई भी पोस्ट या कोई भी स्टेप जो है वो ओवरलुक नहीं होना चाहिए. यानी ये नहीं कि वो पहले कहेगी चल ई को क्या बताना, मैं डी को बता देता हूँ, फिर डी आगे बी को बता देगा. यानी अगर उसको एफ को के तक बात पहुँचानी है तो ये सारे 9 के 9 स्टेप्स जो भी उसके इमीडिएट सुपीरियर्स वाले हैं सबके पहले बात पहुँचानी पड़ेगी, फिर जाकर वो बात के तक पहुँचेगी.
ठीक है, कोई भी पोस्ट जो है वो उनको मिस नहीं करनी है। तो ये इस प्रिंसिपल की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अब देखो जैसे एम्प्लॉय एफ ने अगर अपनी बात एम्प्लॉय के तक पहुंचानी थी तो उसको कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ा, उसको ये पहले 9 स्टेप्स से यानी 9 पोस्ट से गुजरते हुए उसको अपनी बात जो है उसका जो मैसेज है वो के तक कम्युनिकेट हुआ। ठीक है, एंड कई बार क्या होता है, अब आप देखो इतनी जगह जगह से वो बात घूमती 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 एक्चुअल पर्सन के पास इतनी देर बाद जा रही है, तो इससे क्या होता है समटाइम्स जो एक्चुअल मैसेज का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो मेन बात होती है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। अब आप देखो यही बात जो एफ ने मिस्टर के को बतानी थी जो बात, अब वो कितने लोगों के थ्रू जा रही है, कितने लोगों के थ्रू जा रही है, तो समटाइम्स क्या होता है जो एक्चुअल मैसेज का कॉन्टेक्स्ट होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसका नाम है गैंग प्लैंक। ठीक है, गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉय ऑफ इक्वल रैंक। ठीक है, ये गैंग प्लैंक का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया इस वजह से कि जो एम्प्लॉय हैं, जो सेम रैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब जैसे मिस्टर एफ है, अगर उसको मिस्टर के से कोई बात कहनी है तो वो डायरेक्टली इसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है वाया गैंग प्लैंक। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया है, गैंग प्लैंक। ठीक है, यानी सिर्फ वही लोग आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज हैं, जो इक्वल रैंक है। सिमिलरली अगर ई को जे से बात करनी है तो गैंग प्लैंक के थ्रू इस तरह के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है, उसको इन सारी पोस्ट से गुजरते हुए बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये शर्त है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो इक्वल रैंक के ही आपस में इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो इक्वल रैंक के नहीं है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गैंग प्लैंक है ये एक एक्सेप्शन है इस प्रिंसिपल की। ठीक है, आपने याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन की एक्सेप्शन क्या है, तो वो गैंग प्लैंक है। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन के, एक है फ्यॉल्स लेडर एंड सेकेंड वन इज गैंग प्लैंक, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं फ्यॉल्स लेडर एंड गैंग प्लैंक, एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन की एक्सेप्शन क्या है, वो भी क्या है, गैंग प्लैंक। ठीक है, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रिंसिपल को रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाई मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। यानी ये जो चेन है सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजर्स के लिए है या फिर सिर्फ लोअर मैनेजर्स के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए, ऐसे नहीं, सभी के लिए है एंड सभी को ही फॉलो करना चाहिए, वो कंपल्सरी है। ठीक है, और जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है स्कैलर चेन का तो इसमें आपने ये जो डायग्राम है ये जरूर बनाकर आना है, क्लियर, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइन, अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आप देखो आपके स्कूल का ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना स्कूल के एग्जाम्पल ही हमारे ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं होते, राइट। तो देखो जैसे अगर आपको स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, ठीक है, आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी या हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, होता है ना स्कूल में, तो अब आप ये जो बात है डायरेक्टली जो स्कूल की कमेटी मेंबर्स वाले हैं या जो डायरेक्टली जो स्कूल के डायरेक्टर्स हैं उनके पास खुद नहीं जाओगे, है ना। पहले क्या होता है, आप लोग आपस में जो फ्रेंड्स लोग हैं वो डिस्कस करते हो एक दूसरे से, ठीक है, फिर क्या होता है आप लोग अपनी ये जो बात है किससे शेयर करते हैं, जो आपकी क्लास टीचर होती हैं उनसे शेयर करते हो, है ना। अब फिर ये जो क्लास टीचर हैं ये आपका जो मैसेज है किस तक कम्युनिकेट करेंगी, पहले जो उनकी इंचार्ज होंगी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है, फिर ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये जो मैसेज है ये आगे किसको कम्युनिकेट करेंगे, जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, ठीक है, फिर ये जो वाइस प्रिंसिपल है आगे किसको मैसेज ट्रांसफर करेंगे, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, फिर आगे प्रिंसिपल जो है जो स्कूल के कमेटी मेंबर्स हैं ये जो डायरेक्टर्स हैं उन तक मैसेज जो है ये कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अथॉरिटी चेन जो है वो चलती है, ठीक है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैलर चेन, क्लियर।
आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है, आज हमने सिर्फ एक ही प्रिंसिपल डिस्कस किया। वाय? क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल अपने आप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ये एग्जाम में आता भी है, तो प्लीज इसको जरूर ध्यान से करके जाइएगा। एंड ये डायग्राम तो मस्ट है, इसको तो अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट डिसीशन। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज स्टूडेंट्स डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज योर फीडबैक मैटर्स अलॉट। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स प्लीज डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।